अपने बातिन से फरिश्तों का जहां पैदा कर, अपने बातिन से फरिश्तों का जहां पैदा कर, कल्बे बातिन खुदा और हरम पैदा कर। दमे ईसा यदे बैजा से तू मरूब न हो, दमे ईसा यदे बैजा से तू मरूब न हो, तू मोहम्मदी है, हैदर सा जिगर पैदा कर। समीन वो जिगर, वो बातिन, वो हाल, वो लश्कत, वो वारदात जिस चीज पे उतरती है उस हकीकत तक पहुंचने की दवाई देने वाला तबीब आ पहुंचा है। ऐ जिसमें जाहिर की नश्मा नुमा करने वालों, ऐ जिसमें जाहिर के बड़े बड़े महलात बनाने वालों, तुम्हारी असल तुम्हारे अंदर दफन है, जिसको अजमत अरूज दिया गया। तुम जानते हो कि मुर्दा बच्चा पैदा हो इस लंगता है, इसको जमीन में गाड़ दो, इसकी कब्र मत बनाना, इसकी फातिहा स्वयं सलाम दुरूद तस्बीह कुछ भी मत करना, इसलिए कि मुर्दा पैदा हुआ है। पैदाइश में जो अजमतों की चीजें साथ लाई बने रहते हैं उसको नहीं मिले, इसलिए कहा इसको जमीन में गाड़ दो, इसकी यादगार भी महफूज न करना, कब्र भी न भरना, फातिहा नमाज जनाजा कुछ भी करना। एक घंटे भी अगर जिंदा रह जाए, एक घंटे भी, तो हुक्म इसका नमाज जनाजा भी करना, फातिहा भी करना, इसको सलाम भी बख्शना, इसका खा चलाना, इसको तमाम चीजें भी बख्शना। क्यों? इसलिए कि पैदाइश के वक्त कुछ अजमतों की चीजें तुम में डाली जाती हैं। वो अजमतों का मसीहा, वो अजमतों का तबीब, वो अजमतों की बुंदी पहुंचाने वाला, वो इसकी हकायक वशगाफ करने वाला, जिसके लिए अगर मैं रहूं अपने अल्लाह तो की जबान में यूं कहूंगा कि 41 से पैदा होने शरीफ पता बनवा दिया। और यार ने फिर पढ़ल अल्लामा इकबाल या शाहउद्दीन लावर्दी अपने साथ न मिलते कि मुझे एक वली मिला और झोपड़ी में ले गया और मुझसे कहा एक ऐसे मुल्क की बाग देव डालनी है जो किसी वली के नाम से पहचाना जाएगा। सामईन इकराम, हम पे कहते हैं वो कौन है तुम ढूंढो, वो कौन है तुम तलाश करो, हमारी निगाह है तो कहती है कि आ गया वो मसीहा कि जिसका इंतजार था। शायद इसी के लिए अल्लाह ने कहा भाई अगर तुमसे हम कहें कि रात हो जाए तो सो जाना, जो पगल है रात को सोने के लिए क्यों बतला रहा है? अरे भाई कोई खास बात हो आज रात में तो बतलाई जाएगी कि भाई आज रात सो जाना, आज जाने। लेकिन अगर कहा जाए भाई सुबह हो तो उठ जाना, तो ये पागल है, सुबह होती उठने के लिए। अल्लाह ताला ने कहा जमीन दे मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे, मशरिक का रोज सूरज सूरज तो होता है। अल्लामा इकबाल सत्याने थे कि मशरिक निकलने वाले सच को चुनेंगे, देखो नहीं नहीं इस दुनिया के बड़े हमारा मुल्क का है, इस मुल्क से आफ्ताबे निशाते वाद का जहूर लेकर कोई हस्तरू हो रही है। अल्लामा ने सारी दुनिया से कहा नामात नमाज जमीन दे फलक दे मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। मैं गुजारिश करूंगा इज्जत मात आली सी मतबत हुजूर सैयदना रियाज अहमद कोशाही से, हमारी जानों के मसीहा हैं, अपने खुले और हमें अपने ईमानी खिताब से मुस्तफीज फरमाए। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का हक चपाई, जिसने रब की राह दिखाई, जिनसे हमने